हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति, सही नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाग्र गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, आज IBPS PO के लिए स्पेशल सीरीज मैं शुरू करने जा रही हूँ। आज से आप IBPS के लिए जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न होंगे। ठीक, हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जिसकी प्रैक्टिस करके, भाई आजकल पुराने क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, तो हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जिसकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम को क्लियर करने में अपने आप को बहुत ज़्यादा एबल समझेंगे। ठीक, तो इस सेशन को उन लोगों तक पहुँचा दीजिएगा जो IBPS PO 2020-2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, जल्दी से बढ़ चलते हैं सेशन की तरफ और जानते हैं कि क्या नया है। तो देखिए, आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको एक पैसेज देखने के लिए मिलेगा जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे या फिर कुछ ब्लैंक्स होंगे। ठीक, और वो सारे के सारे हाइलाइटेड होंगे और बोल्ड होंगे। ठीक, और उन सारे ब्लैंक्स को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को क्या कर रखा होगा, नंबर भी दे रखा होगा, जैसे ABCD या 1, 2, 3, 4, उनको नंबरिंग भी कर रखी होगी। और हर एक ब्लैंक, हर एक वर्ड के लिए, हर एक उस नंबर के लिए आपसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है? एक पैसेज में कुछ चीजें, कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस बोल्ड होंगे, कहीं पर ब्लैंक भी गिवन होगा और एक एक चीज वो सब नंबर्ड होंगे और उन सब के बारे में आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है, उनको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और उनका आंसर दे देना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है, समझ में आई है ना। चलिए अब बढ़ चलते हैं कि वो पैसेज क्या है जिसको हमें देखना है, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है। देखिए, पैसेज को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ जरूर लीजिए, पढ़ लीजिए प्लीज, सिर्फ हाइलाइटेड वाला पार्ट ध्यान से देख लीजिए। जैसे ए पार्ट में पढ़ देती हूं, वो डैमेज्ड द हार्ड अर्नड पीस एंड ट्रांक्विलिटी, राइट। फिर मैं बी पार्ट पढ़ देती हूँ, पुटिंग बोल्ड है और एक ब्लैंक दे रखा है, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन होगा। फिर मैं सी पार्ट पढ़ देती हूँ, एक पूरा सेंटेंस जो है वो कैसा है, बोल्ड में है, इसके अगेंस्ट भी कोई क्वेश्चन होगा। डी भी है, डी में क्या दे रखा है, इंटीग्रल दे रखा है, इंटीग्रल बोल्ड है और वो आपसे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ई में आपको दो ब्लैंक्स गिवन है, रेस्पेक्टिवली ए एंड बी। आई होप इतनी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हमें चलना है उन क्वेश्चंस की तरफ, उन सवालों की तरफ जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक, लेकिन फिर दोबारा जब हम बात करते हैं सवालों की तो हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि टाइमर के साथ हम सॉल्व करेंगे तब मजा आएगा। चलिए पढ़िए जल्दी से। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए, आपको ए के लिए करेक्ट ऑप्शन देना है। लिखा है ना, वुड डैमेज्ड द हार्ड अर्नड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इन पांच ऑप्शंस में से कोई ऐसा है जो उसको रिप्लेस कर देगा या जो लिखा हुआ है वो ठीक लिखा हुआ है? ठीक, टाइमर समाप्त, वापस क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मे आई टेल यू वन थिंग, क्या मैं आपको यहां पर एक बात बता सकती हूं, वो ये कि पूरे इंग्लिश में मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पैसेज में क्या लिखा है, पैसेज में लिखा है वुड डैमेज्ड, राइट। तो डैमेज्ड नहीं होगा, क्या होगा, वुड, क्या होगा, वुड और डैमेज। ठीक, पैसेज में होगा वुड डैमेज, ये तो ठीक कर लिया आपने। फिर लिखा है द हार्ड अर्नड पीस, द हार्ड अर्नड पीस एंड ट्रांक्विलिटी। ठीक, ये तो हो गई आंसर की बात। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, उसमें लिखा है वो डैमेज, यहां तक तो ठीक लिखा है। द हार्ड अर्न, हार्ड अर्न एक एडजेक्टिव है, हार्ड अर्न बहुत मुश्किल से कमाया हुआ है ना, तो पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है, हार्ड अर्न नहीं होता, हार्ड अर्न होता है। दूसरा, पीस की स्पेलिंग देखिए, ये तो टुकड़ा होता है, हम टुकड़े की बात नहीं कर रहे, हम शांति की बात कर रहे हैं, कामनेस की बात कर रहे हैं, एंड ट्रांक्विलिटी, माहौल में शांति और बहुत मुश्किल से कमाया हुआ जो सामंजस्य है, जो स्थिरता है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, वो डैमेज द, वंस अगेन यहां पर लिखा है हार्ड अर्निंग, हार्ड अर्निंग नहीं होता है ना, हार्ड अर्निंग नहीं होता। जब भी आप वर्ब से एडजेक्टिव बनाते हैं तो ईडी ही तो लगाते हैं,
आईएनजी तो नहीं लगाते ना, इसलिए ये वाला पार्ट भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखिए, वुड बी डैमेजिंग द हार्ड अर्न पीस। एक तो हार्ड अर्न लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा यहां पर कह रहा है वुड बी डैमेजिंग। भाई वुड बी डैमेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वुड बी डैमेजिंग बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो बी है, लग गई फर्स्ट फॉर्म, ठीक। लेकिन उसके बाद वो उसने हार्ड अर्न कह दिया ना, हार्ड अर्न तो होता नहीं, उसने बात को गलत कर दिया यहां पर। अच्छा दूसरी चीज, जब आप सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं तो वहां पर क्या लिखा है, ट्रांक्विल। ट्रांक्विल तो वर्ब हो गया, हम तो यहां पर नाउन की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि कंजंक्शन के दोनों तरफ सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। इधर नाउन है तो इधर भी नाउन आना चाहिए, ट्रांक्विल तो वर्ब होता है ना, तो यहां पे फिर वैसे भी गलत हो गया। क्या होना चाहिए था, ट्रांक्विलिटी होना चाहिए था, और यहां पे हार्ड अर्निंग की जगह हार्ड अर्न होना चाहिए था, यानी कि ये बात भी गलत हो गई। थर्ड वाला भी पता कर लिया, सेकंड वाला भी, फर्स्ट वाला भी। अच्छा नो करेक्शन रिक्वायर्ड तो बनता ही नहीं, क्योंकि करेक्शन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मॉडल के बाद वहां पर क्या लिखा हुआ है, डैमेज्ड लिखा हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, डैमेज चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो एक बार बातों को मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के कहिएगा, मैम यस क्वेश्चन नंबर वन क्लियर, समझ में आ गया हमें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर बी। आपको बी के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब बी क्या कह रहा है, बी में पुटिंग नाम का एक वर्ब लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, पुटिंग नाम का एक वर्ब है और वो उसके आगे एक ब्लैंक दे रखी है और उसको आपको ठीक करना है, चूज करके वहां पे फिल करना है कि क्या पुटिंग ठीक लिखा हुआ है या उसकी जगह इनमें से कोई और वर्ड आएगा, ठीक, क्या पुटिंग ठीक लिखा हुआ है या उसकी जगह कोई और वर्ड आएगा। 20 सेकंड की जरूरत नहीं है इसमें, पर फिर भी प्रैक्टिस सेशन है ना, अभी तो मिल ही सकते हैं 20 सेकंड। ध्यान से पढ़िए, any responsible third party should respect efforts by India to dash, putting ठीक है तो no correction required choose कर लीजिए। ठीक, देखिए टू के बाद, can I tell you something, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बात करेंगे जब टू को गौर से पढ़ेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस होती हैं जिनके बाद फर्स्ट नहीं आईएनजी लगता है, लेकिन 80% केसेस में, 85% केसेस में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए पुटिंग तो होगा नहीं, पुटिंग तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें आईएनजी लगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब लिखा है रेस्पेक्ट एफर्ट्स, उन एफर्ट्स का, उन प्रयासों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए जो कि भारत कर रहा है, बाय इंडिया, भारत के द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान करना चाहिए, टू डैश क्या करने के लिए, टू एक्सटेंट, टू रिबफ, टू इम्पीड, ठीक। अब आपको ये जानना, या टू सीक, अब आपको ये जानना है मैम इनवर्ड्स के मीनिंग क्या है, इनवर्ड्स के मीनिंग क्या है, तभी तो आप जान पाएंगे। तो देखिए रिबफ का मतलब किसी को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, इम्पीड का मतलब किसी चीज को हिंडर कर देना, तो भारत को हिंडर करने के लिए सम्मान करना चाहिए, नहीं, भारत के प्रयासों का सम्मान करना चाहिए रिजेक्ट करने के लिए भारत को, नहीं, टू सीक खोजने के लिए पीसफुल एंड स्टेबल रिकॉन्सिलिएशन, पीसफुल यानी कि शांतिमय और स्टेबल यानी कि स्थिर एक सामंजस्य बनाने के लिए, एंड नॉट द अपोजिट, और इसका उल्टा करने के लिए नहीं, तो खोजना चाहिए, ये खोजना चाहिए कि पीसफुल और स्टेबल रिकॉन्सिलिएशन, एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा पीसफुल और ऐसा स्थिर सामंजस्य बनाने के लिए खोजना चाहिए। मैम स्टेंट का मतलब वो भी जान लेते हैं। देखिए ऑप्शन टू सीक आपका आंसर है, जिसका मतलब होता है अटेम्प्ट टू फाइंड, हमें कोशिश करनी चाहिए, इम्पीड का मतलब हिंडर, एक्सटेंट का मतलब जो अभी भी बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है। लेकिन एक्सटेंट होता क्या है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, एक्सटेंट एडजेक्टिव होता है, और हमें टू के बाद क्या चाहिए, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म चाहिए, हमें टू के बाद क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए एक्सटेंट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सीक होगा। सीक मतलब अटेम्प्ट टू फाइंड, हमें ये खोजने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से वहां पर पीसफुल और स्टेबल सामंजस्य बना रहे और इसका उल्टा नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, किस तरह से ये सामंजस्य बना रहे हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए, हमें ऐसी चीजें ढूंढनी चाहिए। ठीक हो गया, इसलिए यहां पर सीक होगा, रिबफ नहीं होगा, इम्पीड नहीं होगा और एक्सटेंट भी नहीं होगा। ठीक, एक्सटेंट मैंने आपको बता दिया एडजेक्टिव होता है, इम्पीड मतलब होता है हिंडर, किसी चीज को इंटरप्ट करना, हिंडर करना, हैम्पर करना। रिबफ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को बहुत ही अनग्रेशियसली रिजेक्ट कर देना, है ना। तो ये सब तो मीनिंग के साथ जा नहीं रहे, तो क्या बनता है फिर, मीनिंग बनता है ऑप्शन टू सीक। क्लियर हो गया, अगर हाँ तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्वेश्चन टू क्लियर है मैम, राइट। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। फॉर सी फाइंड आउट द एरर, अब आपको क्या करना है, सी पार्ट जो एक सेंटेंस पूरा बोल्ड करके दिया हुआ है उसमें आपको एरर बतानी है, क्लियर है, उसमें आपको एरर बतानी है, बताइए एरर। चलिए, तो अगर हम इतना जान लें थोड़ी सी ग्रामर तो हमें हेल्प मिलेगी। क्या चाइना एडमोनिस्ट, चाइना ने फटकार लगाई, यूनाइटेड स्टेट से पहले दा लगता है, लग गया। फॉर एक प्रिपोजिशन है, क्या है, प्रिपोजिशन, और प्रिपोजिशन के बाद वर्ब में क्या लगता है, हमेशा और हमेशा आईएनजी, वो भी ठीक हो गया। इट्स मतलब अपने, किसके अपने, यूनाइटेड स्टेट के अपने, है ना, उसके लिए इट्स लगा, प्रोनाउन भी ठीक है। एम्बेसडर, अपने एम्बेसडर को भेजने के लिए, कहा इंडिया में, इन इंडिया, टू मेघालय, भारत के मेघालय में, ठीक हो गया, भारत में और मेघालय में। वार्निंग दैट, वार्निंग क्या है यहां पर, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, ये कहते हुए, चेताते हुए कि दैट एक थर्ड पार्टी के, अपोस्ट्रोफी एस मतलब का की के, एक थर्ड पार्टी के ब्रांडिशिंग मेडलिंग, चाकू की नोक पर जो इंटरप्शंस हैं, जो दखलंदाजी हैं, वुड, वुड के साथ क्या लगता है, वीवन लगता है, लग गया। वुड ओनली कॉम्प्लिकेट, मात्र सिर्फ और क्या करेगी, और ज्यादा बढ़ाएगी, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगी, और ज्यादा जटिल करेगी द डिस्प्यूट, उस लड़ाई को, द डिस्प्यूट स्पेसिफिक डिस्प्यूट है, उस लड़ाई को जो कि बिटवीन, बीच में है, किस किसके, भारत और न्यू दिल्ली। बस छोटी सी गलती मिल गई हमें, बाकी सब बातें तो बिल्कुल ठीक है, छोटी सी एरर, वो क्या है, वो ये है कि ऑप्शन फोर में तो मिस्टेक है, ठीक। दूसरा ये कि बिटवीन के साथ हमेशा और हमेशा एंड लगता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ये कंजंक्शन का एक पेयर है, कि बिटवीन के साथ जब भी आप पेयर में कुछ यूज करेंगे कि इनके और इनके बीच में, जैसे कि 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में मैं लंच करती हूँ, तो बिटवीन 1 PM एंड 2 PM, ठीक, टू नहीं लगता, टीओ टू नहीं लगता, बल्कि एनडी एंड लगता है, between 1 AM and 2 PM, बात समझ में आई। उसी तरह से यहां पर लिखा ना, बिटवीन बीजिंग टू इंडिया नहीं होगा बल्कि बीजिंग एंड इंडिया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, कोई परेशानी नहीं है। फिर भी जहां भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और बैक करके एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताती जा रही हूँ, आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक। चलिए, तो आपको आंसर भी मिल गया। तो सबसे पहले तो मैं ये भी कहूंगी कि कंग्रेचुलेशंस टू दोस्त जो नया पैटर्न होने के बावजूद भी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं और एरर्स बिल्कुल ढूंढ पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है कि आपको ऑड वन चूज करना है, ठीक, वापस आते हैं, ऑड वन चूज करना है।
टाइमर लग चुका है किसके लिए, डी के लिए, अबाउट हिज ट्रिप टू अ स्टेट दैट वॉज एन इनपुट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब देश का एक बहुत ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ज्यादा एक टाइमर चल रहा है, अब इन वर्ड्स में से कोई ऐसा वर्ड है जो इसके अपोजिट है, पहले क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल पैनिक मत होइए, सिर्फ क्वेश्चन समझिए, इंटीग्रल बोल्ड है, फाइंड आउट द ऑड वन फॉर डी, अब इंटीग्रल से मिलते जुलते वर्ड्स यहां पर लिखे हुए हैं, जो एक नहीं मिल रहा है बस वही आपको फाइंड करना है, वही ऑड है, ठीक, जैसे वाइटल मतलब इसेंशियल जरूरी, ऑब्लिगेटरी मतलब इसेंशियल जरूरी, इंडिस्पेंसिबल मतलब इसेंशियल जरूरी, ठीक, ऑब्लिवियस मतलब जो अवेयर नहीं होता, जैसे कि मैं अवेयर नहीं थी इस बात से, आई वॉज नॉट ऑब्लिवियस ऑफ दैट फैक्ट, मैं उस फैक्ट के बारे में ऑब्लिवियस नहीं थी, ठीक, मैं उसके बारे में अवेयर नहीं थी। नेक्स्ट आ गया क्रूशियल, क्रूशियल मतलब भी इंपॉर्टेंट, तो देखिए बात क्या चल रही थी, वाइटल मतलब हो गया इसेंशियल इंपॉर्टेंट, ऑब्लिगेटरी मतलब वेरी नेसेसरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, और क्रूशियल मतलब भी इंपॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब भी इंटीग्रल, इसका मतलब भी इंटीग्रल, इसका मतलब भी इंटीग्रल, इसका मतलब भी, चारों तो हो गए सिनोनिम। ऑड वन क्या है, ऑब्लिवियस है जिसका मतलब नहीं होता, ये आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक, ऑब्लिवियस मतलब अनअवेयर, जो अवेयर नहीं है, ठीक है, बाकी सब वाइटल एब्सोल्युटली नेसेसरी इंडिस्पेंसिबल क्रूशियल ऑब्लिगेटरी सारे क्या है, एक टोन में है, एक ही वर्ड के मीनिंग है, एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आया, इफ यस तो बहुत टाइम नहीं लगता है कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करने में कि मैम क्वेश्चन 4 इज क्लियर, हमें समझ में आ चुका है, नहीं आया तो जो डाउट है वो वहीं पूछिए कमेंट बॉक्स में, कोई नहीं रोकेगा। अगर आपका मन नहीं है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करने का तो आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन करके वहां पूछ सकते हैं, t.me/examneeti, आप टेलीग्राम में भी हमें ज्वाइन करके क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ सकते हैं, जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछिए, बस तैयारी अच्छे से कीजिए और इस बार पीओ बनकर दिखाइए, ठीक। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से टाइमर के साथ पढ़िए, दो ब्लैंक्स हैं गिवन है आपको, आपको फिल करना है कि कौन सा पेयर जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ए में ए बी सी में से कुछ फिल करना है और बी में डी सी डी ई एफ में से कुछ चूज करके फिल करना है। ठीक, देखिए बात चल रही है अ स्टेट, एक स्टेट जो कि इंटीग्रल पार्ट है ऑफ द कंट्री, देश का इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा ही लिखा है ना आपके पास, अ स्टेट जो कि है, विच भी ठीक हो सकता है, दैट भी ठीक हो सकता है, लेकिन व्हाट, व्हाट मतलब तो क्या होता है ना, व्हाट मतलब तो क्या होता है, विच मतलब जो कि, किसी भी, आपको पता है ना एनिमल के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, विच एनिमल के लिए एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी ऐसा एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, स्टेट के लिए यूज हो रहा है, हो सकता है सेम चीज दैट के बारे में भी हो सकता है, लेकिन व्हाट नहीं हो सकता, यानी कि ए और बी में से हमारा कोई आंसर है, ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन से, यानी कि ए भी वन भी हो सकता है ऑप्शन, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है और फाइव भी हो सकता है, फोर्थ तो सीधे सीधे कट गया, क्यों, क्योंकि सी तो है ही नहीं, सी तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है टू विच, जिसके मिनिस्टर का इस फोकस डैश, जिसके मिनिस्टर का पूरी तरीके से ध्यान क्या है, केंद्रित है, जिसके मिनिस्टर का पूरी तरीके से ध्यान जो है वो केंद्रित है, विड्रॉ का मतलब तो निकालना होता है, नहीं हुआ, ठीक, ई आ रहा है यानी कि ये वाला तो गलत हो गया, विड्रॉ का मतलब, बाउंस्ड इनटू का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, बाउंस्ड इनटू मतलब
आंसर चेक करें. बाउंस इनटू मतलब प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग. मिनिस्टर का ध्यान प्रेशराइज करने में थोड़ा ही है. बाउंस इनटू भी गलत हो गया, यानी कि हमारा एफ वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. लेकिन एफ ऑप्शन हमको कहीं गिवन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बचा डी. तो ए और डी ही एक सही पेयर है जो बन सकता है. ठीक, दूसरा है बी और डी, और वो भी हमारा आंसर हो सकता है. तो खाली हम ये इसमें गिवन नहीं है, पर हम ये लिख सकते हैं ऑप्शन थ्री. नॉट ओनली ऑप्शन थ्री बल्कि ऑप्शन टू. बोथ ऑप्शन टू एंड थ्री कैन बी योर आंसर. ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं. आपको ये भी यहां पर गिवन होना चाहिए था, बोथ बी डी आपको ये भी गिवन होना चाहिए था, क्योंकि हमारा आंसर दोनों हो सकता है. ठीक है, बिल्कुल सही बात है. बी डी और ए डी दोनों हो सकता है, यानी कि बोथ बी डी एंड ए डी, ये भी आपका आंसर बिल्कुल हो सकता है. चूज कर सकते हैं, इसमें गिवन नहीं है, लेकिन आपको ऐसा एग्जाम में गिवन होता तो आप बिल्कुल चूज करते. ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन होती तो फिर आप दोनों में से कोई भी चूज करके आते, आपको पूरा वन मार्क मिलता. विच और अक्रेडिटेड भी ठीक है. अक्रेडिटेड का मतलब क्या होता है? ऑफिशियली रिकॉग्नाइज, पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना, किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से सोचना समझना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसके बारे में ध्यान रखना. ठीक, फोकसली किसी चीज को देखना बहुत ज्यादा फोकस के साथ. विड्रॉ मतलब वही ड्रॉ आउट या टेक अवे, निकाल लेना. और बाउंस इनटू मतलब किसी को कोई काम करने के लिए क्या करना, प्रेशराइज करना, है ना. तो इसलिए आप बी एंड डी भी ठीक है और ए एंड डी भी ठीक है, यानी कि आपका आंसर है बोथ बी डी एंड ए डी, दोनों आपका आंसर हो सकते हैं. आई होप आपको समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. मैं वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, t.me/examneeti. जितने मर्जी सवाल पूछिए, जितने मर्जी क्वेश्चंस करिए, बिल्कुल. आई होप ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव था और फ्रूटफुल था, एंड आपने यहाँ से कुछ सीखा. अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. हम फिर मिलेंगे IBPS PO के नए पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू एंटिल देन कार्ड के लिए.